चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कंकड़टोला पचपेड़ी निवासी ने प्रधान आरक्षक पर लगाया 65,000 रुपए लूटने का आरोप, एसपी से की शिकायत। बालाघाट जिले के चांगटोला थाना के शंकरटोला पचपेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन के प्रधान आरक्षक पर लूट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ बालाघाट को लिखित शिकायत दी है। पीड़ित गोपालगिरी गोस्वामी शंकरटोला पचपेड़ी निवासी एसपी को शिकायत कर बताया कि 27 जुलाई की रात करीब 8 से 9 बजे प्रधान आरक्षक दीपक चौके निवासी चांगटोला के द्वारा मऊ शराब दुकान के पास मुझसे मिला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मऊ चावड़ी में ले गया, जहां उसने मेरे कपड़े उतारे, मोबाइल छीन लिया और जमीन बेची थी। वह पैसे मेरे जेब में थे, जो पैसे 65,000 रुपए जेब से निकाल लिए। उसके बाद 29 जुलाई को मैं और मेरी पत्नी दीपक चौकी के घर में पैसे मांगने गए तो डरा धमका कर भगा दिया गया, जिसके पश्चात 29 जुलाई को पुलिस थाना चांगडोला में लिखित शिकायत की गई, किंतु मुझे शिकायत की ओसी कॉपी भी प्रदान नहीं की गई, जिसके बाद 29 जुलाई को ही पुलिस अधीक्षक बालाघाट कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि दीपक चौके पुलिस थाना चांगडोला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, अभी कुछ दिन पहले ही स्थानांतरण हुआ है। पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है कि मेरी राशि मुझे वापस दिलाया जाए। वह इसी संबंध में दीपक चौके से दूरभाष से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है और जो आरोप लगा रहा है वह आरोप निराधार है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोपालगिरी गोस्वामी। कहाँ के निवास? ग्राम पचपड़ी वार्ड नंबर 1 शंकरटोला का निवासी सर जी मैं। क्या शिकायत को लेकर है? सर जी की दीपक चौके ने गुरुवार को लगभग 9 और 10 के बीच में वो व्यक्ति मेरे को मऊ में मिला सर जी। मऊ में मिलने के बाद उसने मेरे से पैसे की डिमांड रखी, क्योंकि मेरे पास पैसा देने योग्य नहीं था, पैसा मेरे काम का था, वो मेरे जमीन बेच करके मैंने पैसे रखे थे सर अकाउंट में जमा करने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने बोला कि 20,000 से लिमिट ज़्यादा नहीं है इसलिए नहीं जमा कर पाऊँगा, इसलिए उसने सर मेरे को दूसरे दिन मतलब शुक्रवार को बैंक जाने की सलाह दी सर। वो पैसा मेरे जेब में था, ये व्यक्ति मिला सर, इसने मेरा सर पहले फ़ोन लिया और उसके बाद मेरे शर्ट को चेक करने लगा, शर्ट बटन टाइट था तो मेरा शर्ट खींचा सर तो मेरा शर्ट निकल गया और उसके बाद पैंट में जेब में हाथ डाल के सर उसने पैसा निकाला, उसने 65,000 रुपये था सर जी। तो क्या नाम है था जिसने पैसा निकाला? क्या नाम? चौके सर जी। क्या है वो? वो पुलिस में सर जी, चांगटोला थाने में ही, अभी कुछ दिन पहले उसका ट्रांसफर हुआ है, वो चांगटोला थाने में पता था सर। क्यों निकाल लिया उनने पैसा? मेरे को इसकी जानकारी नहीं था जी कि उसने क्यों निकाला, लेकिन उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। निकालने के बाद सर मेरे को उसने एक प्रकार से धमकी दिया, उसके बाद मैंने घर जाकर अपनी श्रीमती से वाइफ से बोला कि ऐसा सर मेरे साथ समस्या बनी है, जिसकी बात को लेकर के सर पत्नी ने भी कहा कि चलो आज नहीं ले गया तो कल वो ला के देगा, लेकिन नहीं जाने पर आज मेरी पत्नी सर और मेरे बच्चे और मैं उसके घर गए। घर जाने पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और दीपक के द्वारा अभद्र गालियाँ गलौज करके हमको सर उनके घर से निकाल दिया गया। उस बीच में फिर हम जाके सर थाने में फिर हमने लिखित आवेदन थाने में दिया सर जी, और आवेदन देने के बाद फिर मैं बालाघाट आया था आपको शिकायत देने के लिए। क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूं सर, मेरे को पैसा मेरा चाहिए, क्योंकि मैंने 30 डिसमिल जमीन बेच करके मेरे पिता पैतृक संपत्ति सर मैं अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए मैंने जमीन बेच के वो पैसा रखा था सर, उस पैसों को सब व्यक्ति ने छीन लिया सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपालगिरी गोस्वामी।